कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विशेष विमान से उपराजधानी दुमका पहुंचे, जहां से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम से लौटने के बाद दिल्ली जाने के क्रम में दुमका हवाई अड्डा पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चलाना चाहती है, हमने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है। प्रधानमंत्री को जो अहंकार आया है और जो अहंकारी बात कर रहे हैं वह देश के लिए बहुत नुकसानदायी है, इसलिए लोकतंत्र के हित के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। मैं 14 से लेकर 19 तक अपोजिशन लीडर था, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखा। अब जो उनको एक प्राइम मिनिस्टर को अहंकार आया है और जो अहंकार की बात कर रहे हैं वो बड़ा नुकसानदायी देश के लिए है। इसीलिए हम सब मिलके लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान को बचाना और जनता के हित में काम करना। खड़गे ने कहा कि हम लोग एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। अडानी के बहाने उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता और पैसा दोनों नहीं देना चाहिए, इससे लोकतंत्र को खतरा है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता और पैसा दोनों नहीं देना चाहिए, यह डेमोक्रेसी को खतरा है। जैसा कि आज हो रहा है, एक तरफ एक व्यक्ति अदानी एंटरप्राइज के पास बहुत से पैसे जमा हो रहे, शॉर्ट कट, इनसे भी पहले बड़े बड़े उद्योगपति थे, किसी के खिलाफ कोई एमपी या कोई पार्टी ऐसा नहीं कहती थी, लेकिन आज वो कहने का वक्त इसलिए आया है कि सरकार खुद फेवर कर रही है और पैसे बनाने के मौके दे रही है। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां अपने संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, झारखंड में भी करने की कोशिश की है, लेकिन यहां गठबंधन की सरकार बहुत मजबूत है और अच्छे से चल रही है। उन्होंने कहा कि आगे हम लोग यहां एक साथ मजबूती से लड़ेंगे। ऑटोनोमस बॉडीज है या संविधान के तहत जिनको विशेष अधिकार चंद संस्थाओं को दिया गया है उसका भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और हर राज्य में पार्टियों को तोड़फोड़ करना, कोएलिशन गवर्नमेंट को गिराना, और वो काम यहां भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता मजबूत है और मजबूत लोगों के साथ वो कम लड़ती, किसी ना किसी और तरीके से वो पैर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो गठबंधन की सरकार है बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, हर रात पार्टी अपना जनता के लिए समर्पित है, इसीलिए वो यहाँ अपना कुछ नहीं कर सकते। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।